जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज दोस्तों बात करेंगे आईटीबीपी मोटर मैकेनिकल की फाइनल कट ऑफ के बारे में। कई मुझे कमेंट मिले, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर ये कट ऑफ पे वीडियो बना दीजिए, फाइनल कट ऑफ आखिर हमारी क्या जाने वाली है। तो दोस्तों उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा गाइस। आईटीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो भाई पूरा देखना, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार गूगल पे चलते हैं, हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में एक बार यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं आईटीपी मोटर मैकेनिकल सरकारी रिजल्ट्स। ठीक है दोस्तों, सर्च कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं फर्स्ट लिंक, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम एक बार। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट आईटीबीपी कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट। और फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। फ्रेंड्स नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूँ, इसमें दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट 241 है, 241। ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल की आपकी 60 पोस्ट है, जिसमें आपके मान के चलो कम से कम 78 स्टूडेंट को पास किया गया है। कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल में आपके 181 पोस्ट है, जिसमें आपके कम से कम 226 लोगों को पास किया गया है। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, आपकी जो एज लिमिट थी 18 से 25 साल तक थी। ठीक है, तो एक बार आपका रिजल्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। डाउनलोड रिजल्ट आपको जो गाइज पहले कट ऑफ है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ऊपर रिजल्ट अभी डाउनलोड हो रहा है। अगर आपने अपना रिजल्ट अब तक नहीं देखा है तो आप इस साइट पे आके डाउनलोड करके देख सकते हो भाई। ठीक है, तो मैंने अभी साइट पे आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए गाइस पीडीएफ फाइल अपनी ओपन हो गई है। ऊपर देखिए हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल एंड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक 2017 रिक्वायरमेंट इन आईटीबीपी। ये जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों बहुत ही पुरानी है गाइस। ये आपकी वैकेंसी 2017 में आई थी। ठीक है, काफी लंबे समय से भर्ती चल रही है, लेकिन अब तक पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस साल आपकी भर्ती पूरी कंफर्म हो जाएगी। साल आप पक्का वर्दी पहनोगे भाई। ठीक, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल डेट ऑफ डीएमई 4/11/2019 को आपका दोस्तों डीएमई हुआ था। ठीक है, आपकी रोल नंबर है फ्रेंड्स। ठीक है, आपकी टोटल पोस्ट 60 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पास के स्टूडेंट 78 है। और नीचे देखिए कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल में आपकी कम से कम पोस्ट आपकी 181, लेकिन यहाँ पे पास के स्टूडेंट है यहाँ पे कम से कम 226 स्टूडेंट है आपके पास किए गए। अब आप सोचोगे सर कि इसमें मतलब कट ऑफ क्या जाएगा फाइनल। देखिए भाई, कट ऑफ की बात अगर मैं करूँ, दो तीन नंबर आपकी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है। जितने नंबर आपके इसमें कट ऑफ दी गई है आप एक बार कट ऑफ देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी जो कट ऑफ यहाँ पे दी गई है दोस्तों, आपके मान के चलिए आप एक दो नंबर आपकी ज्यादा जा सकती है भाई। ठीक है, कम नहीं जाएगी, ज्यादा जा सकती है। क्योंकि भाई ये मान के चलो इतने स्टूडेंट अगर आपके मेडिकल में बाहर नहीं होते हैं तो आपकी कट ऑफ एक और लगेगी। ठीक है, और भाई वो भी तो लगनी है ही। ठीक है, अगर आपको उसमें नाम आएगा भाई, आप 100% सिलेक्टेड हो भाई, मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा इस वीडियो में भी। ठीक है, तो आपको भाई अपने अपने नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल गाइस बात करेंगे हेड कॉन्स्टेबल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस्ट ऑफ लक आल स्टूडेंट, जितने भी मेरे भाई होगा इसमें टेस्ट क्लियर हुआ उन सबको बहुत बहुत बधाई है, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ यार आप सब इसमें सिलेक्टेड हो जाओ। ठीक है, और बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के ऊपर। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमारे फाइनल कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दीजिए। देखिए भाई, एक अच्छा यूट्यूबर वही होता है जो अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखे। देखिए भाई, मुझे अगर एक स्टूडेंट भी कमेंट करता है मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बना देता हूँ भाई। ठीक है, मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी वीडियो 10 लोगों के काम आती है वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जितना हो सके भाई को सपोर्ट करो यार, वीडियो को लाइक किया करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के ऊपर। अगर मैं जनरल की बात करूँ दोस्तों, अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं जनरल में, आप मान के चलो एक दो नंबर आपके ज्यादा कट ऑफ जाएगी बस भाई, ज्यादा नहीं जाने वाले, एक दो नंबर बस। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलो मेडिकल भाई इसका आसान नहीं होता भाई, टफ ही होता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये डिफेंस जॉब है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, डिफेंस जॉब है। सो मेडिकल में बहुत स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे भाई। ठीक है, आप मान के चलो अगर आपके जनरल में 40 नंबर है आपका 100% आप सिलेक्टेड हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी में आपके 35 नंबर बन रहे हैं, आप 100% सिलेक्टेड हो। हेड कॉन्स्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, हेड कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल की। ठीक है, अगर आपके ओबीसी में 35 नंबर बन रहे हैं आप 100% सिलेक्टेड हो भाई। अब बात करते हैं एससी के बारे में। अगर आपके एससी में 33 नंबर बन रहे हैं आप श्योर एकदम सेफ हो, आपको टेंशन नहीं लेना, आप सिलेक्टेड पर्सन हो। ठीक है, अगर आप एसटी से हो आपके नंबर 32 बन रहे हैं आप 100% सिलेक्टेड हो भाई, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आराम से रहो, बिंदास रहो यार, खुश रहा करो। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीपी कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल के बारे में। कॉन्स्टेबल की मुझे बहुत डिमांड आएगी सर हाई कट ऑफ के ऊपर हमारी वीडियो बना दी। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें दोनों कट ऑफ शामिल कर दिए। ठीक है, आप मुझे अपने अपने मार्क्स से प्लीज बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, फाइनल कट ऑफ लिस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप आईटीपी कॉन्स्टेबल के विद्यार्थी हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए जनरल के अगर आप 30 नंबर बन रहे हैं आपके फ्रेंड्स, आप 100% सिलेक्टेड हो, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप जनरल कास्ट से हो, अगर आपने आईटीबीपी कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिकल का फॉर्म फिलअप किया था, अगर आप मोटर मैकेनिकल स्टूडेंट हो यहाँ पे कॉन्स्टेबल में, तो आपका सिलेक्शन 30 पे हो जाएगा भाई, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप दोस्तों ओबीसी से बिलोंग करते हो, आपके नंबर 25 हैं, आप 100% सेफ हो,
आपको टेंशन नहीं लेना, आप सिलेक्टेड पर्सन हो तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते फ्रेंड, बात करते हैं एसटी के बारे में। एससी एसटी को गाइस में बहुत सारी छूट मिलेगी, आपको टेंशन, एससी एसटी वाले को तो भाई बस भूल जाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप 100% सिलेक्टेड हो भाई। एसटी में इतने बच्चे नहीं होते भाई, एससी में इतने बच्चे नहीं होते भाई, बहुत ही कम होते हैं। आपकी भाई जो कट ऑफ भाई 20 पे जाने वाली है, एक दो नंबर आपके बढ़ाए हैं बस, ठीक है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली भाई। देखिए एसटी में आपकी 20 पे, एसटी में आपके 18 पे, ठीक है, आपका कुछ भी मतलब कट ऑफ बहुत कम जाएगी एससी एसटी की, ठीक है। और जो कास्ट, जो बाकी कास्ट 6 जनरल ओबीसी हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक दो नंबर आगे बढ़ेगी आपकी कट ऑफ, ज्यादा नहीं जाएगी बिल्कुल भी। अगर आप मेडिकल में ज्यादा स्टूडेंट फेल नहीं होते तो कट ऑफ आपकी लगेगी भाई, ठीक है, आपको पता भी होगा, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, कुछ भी आपको मुझसे बात पूछनी हो किसी भर्ती के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर, आईटीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट, या फिर भाई आईटीपी मोटर मैकेनिकल, आप किसी भी आईटीपी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप सबके लिए बेहतरीन जानकारी लेके आता रहता हूँ आईटीपी या फिर डिफेंस जॉब से रिलेटेड। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए भाई चैनल सपोर्ट जरूर करें, आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो के नीचे एक ऑप्शन दिखा हुआ रेड कलर सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आईटीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का मुझे बहुत सारा कमेंट आया कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए भाई, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आईटीबीपी में अब तक, आपको पता भी होगा, क्योंकि जो वायरस चल रहा है, क्योंकि वहाँ के जो जवान थे वो भी मतलब उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वायरस से। सो फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट थोड़ा पेंडिंग में चल रहा है अभी, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाला है। सो प्लीज आप थोड़ा पेंशन रखें, और आपका गाइस रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है भाई। हैप्पी रहे, मस्त रहे, खाइए पिए, ऐश करो यार, ठीक है, सीधी सी बात है। एंड भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करना, और भाई अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन, आपको कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।